अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी बहुत बड़ा कांड होते होते कांड होते तो बचा नहीं, फाइंड हो गया है और दिखाते हैं क्या हो गया। मम्मी पूरे परफ्यूम की बोतल जो है पूरी लुढ़का रही थी फ्रेंड्स, इस पर नकाब पे डाली थी, पूरा हमसे मना करने लगी, आज तुम ना डालना, आज जुमे रात है। और पूरी परफ्यूम की बोतल ऐसे करी खड़ी गिर गई और पूरे परफ्यूम टूट गया। मैं बहुत अच्छा, हम लोग का फेवरेट परफ्यूम था, ये टूट गया, बड़ा दुख हो गया। थोड़ा सा बचा था, फिर हमने अलमारी में डाल दिया इसको, जो बचा कोई किसी काम ही का नहीं रहा इतना, अभी डस्टबिन में जाएगा और डैडी बहुत ज़्यादा गुस्साएंगे हम लोग को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? शीशा थोड़ा गंदा हो रहा है, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, अभी साफ कर देंगे, डब्बे पड़ गए थोड़े से। और आज हम जा रहे हैं जर्ट स्क्वायर, ऐसे ही गर्मी से बचने के लिए फ्रेंड्स, कोई घूमने टहलने नहीं जा रहे हैं, जर्ट स्क्वायर में बैठ के थोड़ी सी ऐसी की हवा खाएंगे, इसीलिए जा रहे हैं। और नए वाले जूते निकालेंगे पहनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चलना पड़ता है वहाँ पर, तो आज हमने सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं। वाटर ले लिए क्योंकि गर्म बहुत हो रही है, समर वाला फेस्ट भी चल रहा है यहाँ पर, टाइमिंग ज्वेलरी का खुल गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लग रहा है जन्नत में आ गए। ज़्यादा हो रहा है हम लोग, और बहुत ही ज़्यादा फिसल रहा है, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है बांधने में इसको। इसी में से कोई जूते पसंद कर लीजिए, इसमें से उसको कोई भी नहीं पसंद आएंगे। के सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मेकअप कराना हो तो। क्या हुआ मम्मी? फेसिस कनाडा, ये वो रहा। इस शॉपिंग करने के साथ आपको एक अटैची फ्री मिलेगी, आप अटैची लेना पसंद करेंगी? नहीं, अटैची बहुत है घर में फ्रेंड्स। शुगर मोस्ट अवेटेड ब्रांड, शुगर के सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक्वेरियम कितना अच्छा लग रहा है, एक्वेरियम लो। आप लोग के लिए इसे ब्लॉग बनाने हम आए, हमने सोचा कि बहुत दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं था, तो कहीं चलते हैं। आप लोगों को कहीं जाने वाले ब्लॉग ज़्यादा पसंद आते हैं, ये देखिए मामा अर्थ का, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं मामा अर्थ के, उसके बाद फिर आगे के मार्स। ये सैंडल्स देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी अच्छी हैं। नाजिश भाभी के लिए ले लो, बहुत अच्छी रहेगी उनके ऊपर, वो इतनी हील पहनती भी तो नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बताए इसमें से कौन सी है? ये फ्रेंड्स, ये वाली मेरी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉम्फी वाली है। सही बात है, बहुत अच्छा स्टोर खुला है फ्रेंड्स। ओपन में कैफे बदल गया पहले से ना, बहुत ही ज़्यादा। स्टेला टॉस चमक है, हिमालयाज का चश्मे लगवा लीजिए यहीं से आप अपने, क्योंकि प्रोडक्ट फ्रेंड ज़्यादा इस टाइम दिख रहे हैं। कैचर्स ये कितना अच्छा लग रहा है। अस्सलाम, कोई फ्री में देगा तब भी वो नहीं पहनेगा ऐसा। हमें इसमें से आप क्या क्या दिलाएंगे, आप ये बताइए खाली। कौन से माइक्रोवेव सेफ वाले? कितना सारा कलेक्शन है, बहुत अच्छे अच्छे मग से। क्या क्या ले रहे? सही रहती है मम्मी, बास्केट देखिए कितनी अच्छी लग रही है। किसी की आप दावत वावत करें तो इसमें रोटी वोटी भी रख सकते हैं अच्छे से, बहुत प्यारी लग रही है। आप इसमें नान वान बना के रख सकते हैं, 300 रुपये की बहुत अच्छी है। ये कंटेनर कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, मीन छोटू छोटू से। क्या हुआ? हाँ मैंने इतने सी चीज़ ड्रॉप सब मैंने रूम में, ये ले लेते हैं अम्मी अभी में। ये ले लेते हैं, अच्छी लग रही है ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि अंदर कोई भी कागज़ वागज डालने के लिए सही है। ये ले लेते हैं अम्मी, अच्छी हमें बहुत अच्छी लग रही है, ले लो। सॉफ्ट सॉफ्ट सब
सहेले तो हैं दुबई वाले। ये लगा दीजिए ना, एक बार लगा दीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए मिरर कितना अच्छा लग रहा है, वही वाला है, हीरा मंडी वाला। अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। नया कलेक्शन आया इसलिए देखने आई हूँ। कितनी अच्छी वॉच लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। 749 फ्रेंड बैग देखिए कितना अच्छा लगा, छोटू सा मिनी सा है, कुछ कुछ भी रख सकते हो आप इसमें, ऐसे करके पकड़ सकते हो, मटक मटक के चल सकते हो, पैसे से रख सकते हैं। हाँ मतलब खुले पैसे रख सकते हैं इसमें। फ्रेंड्स अब घर चलते हैं, टाइम हो गया है, ईशा को भी होने वाली है। और यहाँ पे अम्मी को चूड़ियाँ लेनी थी तो हम लोग शिवाली चले गए थे, सामने था बस फटाफट से लेके वहीं से रक्षा कर लिया। फ्रेंड्स वो मौसम का थोड़े से हालात बदल गए थे और कल से माशाल्लाह रात में थोड़ी सी राहत हो गई थी, 46 से जो हमें लग रहा है 33 भी टेम्परेचर आ गया था। सब लोग तो आज है फ्राइडे और कल का व्लॉग आपने देखा होगा कि हम लोग दर्शकार गए थे। फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है, आप लोग भी वाकिफ़ होंगे गर्म से, यूपी हो चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं भी हो, पूरे में गर्म ही गर्म पड़ रही है। लेकिन अभी सिर्फ पंखा बंद कर कितनी ज़्यादा स्वेटिंग मेरे होने लगी है, बस नहा धो के बस निकले तो हमने सोचा व्लॉग बना लेते हैं, जुमा है सबको जो मुबारक हो। और कल इतनी मतलब गर्म हो रही थी कि हमने कहा, और लाइट इतनी फ्रेंड्स जा रही है कि लाइट ने भी अपनी अलग ही तरीके का रोल निभा दिया है इस गर्मी की में। और इन्वर्टर भी इंसान कितना चलेगा, धीमे धीमे इन्वर्टर भी चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्म। तो मम्मी कहें चलो थोड़ी देर तो जर्ज कार में बैठ जाते हैं, जाके थोड़ा सा आराम तो मिलेगी, सुकून तो रहेगा, थोड़ा सा तो दिमाग तो फ्रेश हो जाएगा। तो वहाँ गए, वहाँ से निकला तो थोड़ा सा आंधी ऐसे आने लगी, बस जैसे ही हम लोग 7:30 बजे गए होंगे अंदर, हमें लग रहा आधा घंटा ही बस टहले से ही, उसके बाद जब जैसे ही डोर खोला वहाँ का देखा आंधी, अम्मी कहीं घर चलो कहीं नहीं जाएंगे, शिवाले जाना था थोड़ा काम से, तो अम्मी ने घर चलो क्योंकि गोश्त की तैयारी बनानी थी। और कुकर जो था अम्मी ने किचन की खिड़की बंद करना भूल गई थी, तो हमने कहा अम्मी वैसे ही काम सब करके आती हैं, फिर जल्दी से वहाँ से रक्षा कर, हमने खाली गोलगप्पे खाए और जल्दी से चले आइए। देखिए तब पसीना मेरे चमक रहा है। तो बस हमने सोचा व्लॉग बना लेते हैं और अभी अम्मी आती है तो अम्मी को दिखाते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों ने बहुत पसंद किया तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, वो भाई भाभी की इंगेजमेंट का व्लॉग था, इंगेजमेंट का सॉरी एनिवर्सरी का व्लॉग था, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग मेरे व्लॉग्स को प्यार दिया करिए, घर के जो व्लॉग्स होते हैं उसको भी ऐसे ही आगे बढ़ाया करिए और व्लॉग में बने रहिएगा जो भी व्लॉग है, क्योंकि गर्मी के मारे फ्रेंड्स कहीं जा नहीं पा रहे, आप लोग भी सोच रहे हैं कहाँ का व्लॉग बनाए, तो इसीलिए इतने दिन से हमने कोई भी व्लॉग नहीं डाला, थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी तो इसीलिए हम आज कल थोड़ा फ्री हुए थे, मम्मी ने कहा और एग्ज़ाम भी थोड़े चल रहे थे, पढ़ाई वढ़ाई हो रही थी तो इसीलिए हमने सोचा कि आज व्लॉग बनाते हैं। अम्मी ऊपर से चाय बना के ला रही हैं, उसके बाद हम आप लोग से दिखाते हैं आज क्या क्या होगा, दिखाते हैं जुमा है और क्या खाना बनाया। अम्मी ने खाना ही बना लिया था, अम्मी ने गर्म हो रही बाबू ऊपर तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर के तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा, देखिए पूरा पसीने पसीने हम तर हो गए, तो बस पंखा चालू करते उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। अल्लाह हाफिज़। कपड़ों में प्रेस कर रही है फ्रेंड्स, हाँ बहुत खराब हो चुका है इस वजह से, इसीलिए हम लोग थोड़ा इस पर लेटते बढ़ते नहीं ना, चक्कर वक्कर आता है इसीलिए हम लोग बस इसी पर। मेरी बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ रही कोई व्लॉग बनाओ फ्रेंड्स, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था व्लॉग बनाने का, तो अम्मी ने कहा चलो इसी बहाने कुछ थोड़ा बाहर ही चलो वहीं जाके व्लॉग बना लेते हैं। और जो नुमाइश भी लगी फ्रेंड, इतनी गर्मी में कहीं जाने की ताप नहीं, चाहे कहीं भी कोई फ्री में भी ले जाएगा जब भी हम नहीं जाएंगे, गर्मी बहुत हो रही है। और दो दो फंक्शन हमारे यहाँ, दो दो कार्ड आ गए, कल वो हकीका है मेरे घर के सामने रहती हैं, अप्पी भी हैं और रिलेशन भी है डैडी के तरफ का ना, कोई डैडी खाला की लड़की, डैडी की खाला साथ बहन लगती हैं। अच्छा तो उनकी बेटी हकीका है, बहुत प्यारा सा कार्ड है, आपको दिखाते हैं हम कार्ड है उनके, हकीका है उनकी, अंदर से खोल के दिखाते हैं, यशफा नाम है उनकी बेटी का। ये देखिए कितना बच्चों के तो अच्छा लग रहा है, बच्चों के हिसाब से हकीके की थीम का पहला फंक्शन हम कर रहे हैं अपने बच्चे का, 3 साल बाद कल। और ये देखिए दूसरा भी कार्ड फ्रेंड्स आया हुआ है 13 जून को, डैडी के दोस्त के यहाँ शादी है, शादी तो करनी ही है सबको, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, जिसकी नसीब में जो तारीख लिखी होगी वही तारीख को तो होगी। अब आपके ना जाने जाने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे किसी की शादी नहीं होगी। नहीं ना जाने को समझ में, गर्म बहुत हो रही है, गर्म तो हो रही है लेकिन
अब जिसकी जैसे इंसान सहूलत पड़ती है वैसे ही इंसान करता है। ऑब्वियसली हमारा हम हो चाहे कोई हो, फलक की शादी अगली बार कितनी गर्म में पड़ी थी उसकी, तो अचानक से ही इतनी जल्दी प्लान हो गया था, होने को तो नवंबर में थी लेकिन उसकी थोड़ी पहले हो गई। और अच्छी बात है, जो जितनी जल्दी फ़र्ज ज़्यादा हो जाए उतनी अच्छी बात है। और क्या बोलते हैं, तो हमने सोचा ब्लॉग बनाया, और कल गर्म भी बहुत हो रही है, और कल दो दो फंक्शन भी, और परसों भी हमारी दावत है मेरे मोहल्ले में ही है, संडे को सैटरडे संडे दोनों दिन दावत है। अगर जाना होगा तो इंशाल्लाह ब्लॉग आप लोग को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रात के टाइम जो होती है थोड़ी गर्म कम हो जाती है फ्रेंड्स, और हॉल हॉल में तो वैसे ही कूलर वूलर का लोग इंतज़ाम करते हैं, इतनी गर्म ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को बुला लेता है। तो बस हमने सोचा कि चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जो भी एक घर का ही बनाते हैं। मेरी आंटी भी रोज़ कहती है, रियान आंटी जो शुक्ला करने वाली है, कि तुम रोज़ व्लॉग नहीं डालती, रोज़ घर का बनाया करो, रोज़ डाला करो। हमने रोज़ हमें समझ ही नहीं है, बड़े काहली वाले दिन। अब जब मेरे चैनल इतना ग्रो कर रहा है माशाल्लाह से, तो अब हमें काहली आ रही है। जब क्या हुआ, अम्मी बैठी हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कमरा जो है सुकून वाला कमरा है, हमें सुकून से बैठना होता है, हम लोग आके यहाँ अम्मा बैठी हैं अपनी अपनी बातें करते हैं यहाँ बैठ के। तो बस कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे आप? गर्मी बहुत हो रही है, कुछ नहीं कहना चाहेंगे फ्रेंड्स। सच में हम तो कह रहे हैं अल्लाह पाक हम लोग को ऊपर बख्श दे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और इससे ज़्यादा जहन्नुम की आग है फ्रेंड्स। लेकिन ये गर्मी दुनिया में रहना है तो ये गर्मी तो झेलनी पड़ेगी, आखिरत की तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो दुनिया भी लोगों को देख ले। और बस स्क्वायर चलेगा, इसीलिए इतनी गर्म हो रही थी। हाँ वो देखा, ब्लॉग डालेंगे आप लोग देखिएगा इसके आगे। वहाँ की एयर कंडीशन की फ्रेंड्स बात ही अलग होती है, वहाँ से निकले जैसे लग रहा है कोई इधर से तमाचा मार रहा है गर्म का, इधर से तमाचा मार रहा है, ऐसे लग रहा था फ्रेंड्स। कूलर काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे अल्लाह शुक्र है फिर भी ठंडा है, ठंडा। और फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर भी कूलर मांग रहे हैं, बताइए मतलब इतनी हीट हो रही है सब। फ्रेंड्स ना खाना ना हो चुका है, नमाज भी पढ़ चुके हैं, और नानी भी आई है, नानी ने खाना खाया, नानी का खाना बहुत ज़्यादा चढ़ गया, तेल ना भी हाँ तेल ज़्यादा करना ही चढ़ गया, सही है। खरबूजा भी खाया, क्योंकि खरबूजे का सीजन चल रहा है, सीजन के फ्रूट्स फ्रेंड खाने चाहिए। और नानी को क्या नानी का क्या नानी का नानी की बातें बता दो, नानी बोलती बातें। चलिए फिर आप थोड़ा सा आराम करेंगे, हम लोग उसके बाद आपसे मिलेंगे। क्या